एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर। आज का जो आपका लेसन है वो वैसे तो फर्स्ट लेसन है, आपके बुक का फर्स्ट लेसन है ना? यस सर। बट द टाइटल ऑफ दैट लेसन इज द लास्ट लेसन। जो पहला पार्ट है हम लोगों का इंग्लिश का, उसका नाम क्या है? लास्ट लेसन। एंड दिस हैज बीन ऑथर्ड मींस रिटन। इसको लिखा किसने है? अल्फोंसो डॉडेट ने। और कहानी को हम अच्छी तरह से समझ पाए फॉर दैट वेरी पर्पस, ये बहुत आवश्यक है कि हम ऑथर के लाइफ को जानें, कहानी को हम समझ पाए। इससे पहले थोड़ा सा ऑथर को जानना होता है, क्योंकि ऑथर कहाँ से बिलोंग करते हैं, है ना? यह चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है उनके वर्क्स पर, उनकी रचना पर। ठीक है, अभी हम लोग सिंगुलर प्लुरल पढ़ रहे थे ना, तो एक शब्द भी आ गया वर्क, W O R K। इसको पढ़ते हैं वर्क। वर्क मीन्स क्या होता है? काम। लेकिन इसका प्लुरल नहीं होता, लेकिन जब इसका प्लुरल हो जाता है वर्क्स, तो इसका मतलब होता है रचनाएं। इसका मतलब क्या होता है? रचनाएं। तो हम लोग कहते हैं ऑथर का वर्क्स, तो उसका मतलब हो गया रचनाएं। और वर्क का प्लुरल कब होता है? जब कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा होता है, जैसे अभी रोड कंस्ट्रक्शन का वर्क्स चल रहा है, तो वहाँ वर्क्स लगाएंगे। लेकिन ऐसा अगर आप कहेंगे कि मेरे पास आज दिन भर में 8-10 काम है, और उसके लिए बोलेंगे आई हैव 10 वर्क्स टुडे, वहाँ वर्क का वर्क्स लगाएंगे, तो दैट विल बी ग्रामेटिकली एरर, वो गलत हो जाएगा। बाय द वे, तो अल्फोंसो डॉडेट इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर द लास्ट लेसन। लास्ट मीन्स क्या होता है? अंतिम। और लेसन मीन्स क्या होता है? पार्ट। ठीक है, मीन्स हमारी बुक की फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन है। एंड अल्फोंसो डॉडेट वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट। फ्रेंच मीन्स बिलोंग टू फ्रांस, फ्रांस के थे, इसलिए उनको फ्रेंच कहेंगे। जैसे हम लोग इंडिया से हैं तो इंडियन है। एंड नॉवेलिस्ट मीन्स क्या होता है? नॉवेल, नॉवेल इज अ लॉन्ग कंपोजिशन, एक लॉन्ग स्टोरी होती है, हैविंग सो मेनी कैरेक्टर्स। जैसे स्टोरी जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो स्टोरी में क्या होता है कि स्टोरी में कुछ ही कैरेक्टर्स होते हैं। जब भी कोई स्टोरी पढ़ते हैं दो चार होते हैं। नॉवेल में क्या होता है कि बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं एक कहानी में, मतलब आपस में जुड़े होते हैं। जैसे आप सीरियल देखती हैं, है ना, तो कई कहानियाँ जुड़ी होती हैं ना एक साथ, उसी तरह नॉवेल होता है। तो नॉवेल इज जनरली अ लॉन्ग कंपोजिशन। तो अल्फोंसो डॉडेट क्या थे? एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, यानी फ्रांस के रहने वाले थे, और उपन्यासकार थे। हिंदी में उसको उपन्यासकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपन्यासकार। जैसे हिंदी में आपके बहुत फेमस जो नॉवेलिस्ट, जिसको आप जरूर जानते होंगे, प्रेमचंद। ठीक है, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो ये नॉवेल भी लिखते थे और छोटी कहानियाँ भी लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे। द लास्ट लेसन जो कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इट्स सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांसो पर्सियन वॉर। वो फ्रांस और पर्सिया दो कंट्री हैं, उनके बीच में वॉर था, जंग था। जैसे हमारे भारत का जंग हुआ है इसके पड़ोसी देश चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, है ना, ये दोनों देशों के साथ हमारा वॉर हुआ है अलग अलग सालों में। तो उसी तरह फ्रांस और पर्सिया का वॉर चल रहा था, और वो वॉर था 1870 to 1871। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि वॉर कब हुआ था। यस, 1870 to 1871, जिसमें फ्रांस को डिफीट कर दिया गया पर्सिया के द्वारा, यानी पर्सिया डिफीटेड फ्रांस। डिफीट मीन्स क्या होता है? हराना। डिफीट मीन्स क्या होता है? DEFEAT, डिफीट मीन्स होता है हरा देना। यानी उसमें जो फ्रांस था वो डिफीटेड हुआ, यानी हरा दिया गया उसको पर्सिया के द्वारा। और पर्सिया का जो आर्मी थी उसको लीड कर रहा था बिस्मार्क, जिसे इतिहास में आपने पढ़ा होगा। yes, sir. बिस्मार्क, है ना, ही वॉज अ कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ मतलब सेनानायक, सेनानायक था। ठीक है, पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। उस समय पर्सिया जो कंट्री थी, आज जो अलग अलग देश के रूप में हम जर्मनी को जानते हैं, पोलैंड को जानते हैं, और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से को जानते हैं, वो उस समय पर्सिया नाम का एक बड़ा देश हुआ करता था, बिग कंट्री हुआ करती थी।
इन दिस स्टोरी, हमारी जो कहानी है द लास्ट लेसन, उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं फ्रांस के जिनका नाम है अलासेस एंड लॉरेने, मस्ट रिमेम्बर इट, इसको जरूर याद रखिए। दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दो जिले हैं, फ्रांस कंट्री के दो जिले हैं जिनका नाम है अलासेस एंड लॉरेने, ठीक है। वो कब्जा कर लिए गए हैं पर्सियन सोल्जर्स के द्वारा, यानी पर्सिया ने इन दो जिलों पर अपना अधिकार जमा लिया, अपना कब्जा कर लिया। वहां की सेना, यानी पर्सिया की सेना, क्या यहाँ की सेना को हटा करके अपनी कब्जा जमा दी, यानी फ्रेंच आर्मी को पीछे हटना पड़ गया है दो जिलों से। अब हमें इस कहानी को पढ़ना है, रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट, फाइंड आउट मीन्स पता लगाना, फाइंड आउट मीन्स पता लगाना, वॉट इफेक्ट, इफेक्ट मीन्स प्रभाव, इफेक्ट मीन्स दिस हैड ऑन लाइफ एट ए स्कूल। फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट पर्सियन कंट्रोल में चले गए हैं, पर्सियन कंट्रोल में जो चले गए हैं, वहाँ के जीवन पर, वहाँ के लाइफ्स पर, वहाँ के लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, एंड स्पेशली स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इस चीज़ को इस कहानी में हम लोगों को दिखाया गया है। तो लेट अस कंटिन्यू। जो इस कहानी में जो मुख्य दो कैरेक्टर्स हैं वो हैं एम हैमेल, एम हैमेल कौन है, टीचर है, एम हैमेल इज अ टीचर, एम हैमेल क्या है, टीचर है, एंड ऑथर खुद हैं जिनका इस स्टोरी में नाम है फ्रेंच, क्या नाम है, तो फ्रेंच एंड एम हैमेल। फ्रेंच कौन है, एक स्टूडेंट है, और एम हैमेल कौन है, टीचर है। इज इट क्लियर टू यू, समझ में बात आ रही है, थोड़ा बुक भी देखेंगे। आई स्टार्टेड, स्टार्ट मीन्स क्या होता है, शुरू करना, आई स्टार्टेड सिंपल पास टेंस है, मैंने शुरू किया फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, लेकिन यहाँ मीनिंग हो जाएगा मैं स्कूल के लिए निकला, मैं स्कूल के लिए निकला, वेरी लेट, बहुत देर करके निकला, मतलब देर हो गई थी, दैट मॉर्निंग यानी उस दिन की सुबह को, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कोल्डिंग, ड्रीड मीन्स मस्ट राइट, थोड़ा लिखिए जरूर आप लोग, डी आर ई ए डी, ड्रीड मतलब होता है डर या भय, ड्रीड मतलब क्या होता है, डर या भय होता है। तो आई वॉज इन ग्रेट ड्रीड, ड्रीड का इंग्लिश मीनिंग अगर बोले तो फियर होगा, एफ ई ए आर, फियर मीन्स क्या होगा, डर होगा ना, तो फियर, या फिर उसको हॉरर भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह की चीजों को हम लोग बोल सकते हैं फियर या ड्रीड, डी आर ई ए डी, ड्रीड मीन्स फियर, डर, ठीक है। अस्कोल्ड, एस सी ओ एल डी, अस्कोल्ड मीन्स डांटना, फटकारना, इसको भी इंग्लिश में बोलेंगे रिब्यूक करना, इंग्लिश में आर ई बी यू के ई, रिब्यूक, जैसे हम टीचर्स कभी कभी रिब्यूक करते हैं स्टूडेंट्स को किसी गलती के लिए। द नरेटर सेज हियर, नरेटर कह रहे हैं कि मैं स्कूल के लिए देर से निकला उस दिन, और मैं बहुत डरा हुआ था, किस बात के लिए डरा हुआ था, स्कोल्डिंग के लिए, स्कोल्डिंग मतलब डांट, डांट के लिए मुझे डर था, एस्पेशली, एस्पेशली मतलब खास तौर पर, बिकॉज, क्योंकि एम हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि एम हैमेल जो टीचर थे नरेटर के, उन्होंने स्टूडेंट्स को पहले ही एक टास्क दे रखा था, एक होमवर्क दे रखा था कि वो पार्टिसिपल्स चैप्टर से स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करेंगे, मतलब प्रश्न पूछेंगे। एंड नरेटर सेज हियर फॉर द, और नरेटर क्या कहते हैं कि एंड आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मैं पार्टिसिपल चैप्टर्स का फर्स्ट वर्ड यानी कुछ भी नहीं जानता था, एक अक्षर भी नहीं जानता था, मैं कुछ भी नहीं जानता था फॉर अ मोमेंट, और नरेटर आगे कहते हैं कि फॉर अ मोमेंट, थोड़े पल के लिए, आई थॉट, आई थॉट मीन्स मैंने, आई थॉट मीन्स आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, रन अवे मीन्स भाग जाना, रन मीन्स दौड़ना, आप जानते हैं, yes, इसके
बाद कोई प्रीपोजिशन अवे लग जाएगा, तो अवे प्रीपोजिशन लग जाने के बाद होगा भाग जाना, एस्केप कर जाना, किसी चीज को छोड़ करके निकल जाना बाहर, भाग जाना। तो रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। नाइटर ने कुछ देर के लिए सोचा कि ऐसा करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं और बाहर ही कहीं दिन बिता देते हैं, ठीक है। जैसा कि यूजुअली आप कभी शायद किए होंगे, और यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कर बैठते हैं। राइटर आगे बोलते हैं, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। उस दिन का जो दिन था वो बहुत सुनहरा था, बहुत सुंदर सा दिन था, सो ब्राइट था, ठीक है। द बर्ड्स वर चिरपिंग, जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी। जो चिड़िया थी वो क्या थी? चहचहा रही थी। चिरप, चिरप मतलब क्या होता है? चहचहाना। एट द एज ऑफ द वुड्स, फिर से मैं बताऊंगा, WOOD, वुड। वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी। वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी। लेकिन अगर इसमें प्लूरल लग गया तो, अभी बताए भी थे हम नाउन एंड द नंबर में, कि वुड्स मीन्स क्या हो जाता है? जंगल। तो एट द एज, एज EDGE, एज मीन्स क्या होता है? किनारा। एज मीन्स क्या होता है? एज मीन्स होता है किनारा। तो जंगल के किनारे में जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, ओपन फील्ड खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल मतलब आरा मिल, सॉ मीन्स होता है आरा, और मिल मतलब जहाँ लकड़ी चीरी जाती है, काटी जाती है, ठीक है। उसके पीछे वाले मैदान में, खुले मैदान में, पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो पर्सियन सिपाही थे वो अपना ही अभ्यास कर रहे थे, पैरेड कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टैम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। और राइटर कहते हैं कि ये पूरी चीज जो थी, सुनहरा दिन होना, चिड़ियों का चहचहाना, पर्सियन सोल्जर्स का ड्रिल में लगे होना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा टैम्पटिंग थी, मतलब अट्रैक्टिव थी। क्या थी? अट्रैक्टिव थी दैन, मतलब किस चीज़ के तुलना में? रूल फॉर द पार्टिसिपल्स, क्लास में जाकर के जो पार्टिसिपल्स के रूल थे उससे ज़्यादा कहीं ये सारी चीज़ें टैम्पटिंग थी, ज़्यादा आकर्षित करने वाली थी। टैम्प्ट मतलब क्या होता है? ललचाना। TEMPT, टैम्प्ट मीन्स क्या होता है? ललचाना होता है, टैम्प्ट। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, पावर। तो राइटर कहते हैं कि लेकिन मेरे पास इस बात की ताकत थी टू रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब, रेसिस्ट मतलब क्या होता है? रेसिस्ट मतलब होता है अपनी इच्छा को कंट्रोल कर लेना, दबा लेना, या जिसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि मन मार दिए, है ना, मन को मार दिए, तो मन मारना, तो रेसिस्ट। राइटर कहते हैं कि मुझे तो स्कूल से ज़्यादा ये सारी चीज़ें आकर्षक लग रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं स्कूल ना जा करके इन सारी चीज़ों का लुत्फ लूँ, इन्जॉय करूँ इन सारी चीज़ों को, लेकिन मुझे, मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं अपनी इच्छा को दबा सकूँ। एंड आई हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेज़ी से स्कूल की ओर भागा, ठीक है, मैं तेज़ी से स्कूल की ओर भागा। वेन आई पास द टाउन हॉल, राइटर आगे बताते हैं कि वेन आई पास्ट, जब मैं गुजरा टाउन हॉल से, गुजरा टाउन हॉल मीन्स रास्ते में नरेटर को क्या मिला? एक टाउन हॉल मिला, जिसको हम लोग हिंदी में नगर भवन कहते हैं। शहरों में होता है एक बिल्डिंग होती है जो आम पब्लिक के कार्यक्रम के लिए होती है, ठीक है। तो देयर वॉज अ क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, CROWD, क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, क्राउड मीन्स क्या होता है? भीड़ होता है। तो देयर वॉज अ क्राउड, एक भीड़ थी, इन फ्रंट, इन फ्रंट मीन्स के सामने, प्लीज अटेंड टू, ध्यान देंगे, मैं क्लास के अंत में पूछ कर जाऊंगा, अभी आप जितने आराम से बैठे हुए हैं उस समय बड़ा खराब लगेगा, इसलिए सुनिएगा, सुनने से दिमाग में बात बैठेगी, लिखने से ज़्यादा बैठ जाएगी, और उसको अगर फिर से आप रिवीजन करेंगे तो परमानेंटली आपके दिमाग में हो सकता है बात आ जाए, ठीक है। लेकिन केवल हाथ पर हाथ रखकर बैठकर सुनने से चीज़ें लर्न नहीं करेंगे आप, ठीक है। इन फ्रंट मीन्स होता है के सामने, बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन मतलब समाचार, जो होता है समाचार का एक हिस्सा को हम बुलेटिन बोलते हैं।
तो बुलेटिन बोर्ड यानी पहले जब इस तरह के टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था तो न्यूज जब कोई भी होता था तो एक बोर्ड होता था, जैसे हमारे स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, जहाँ कोई नोटिस लिख दिया जाता है स्कूल के हॉलीडे डे से संबंधित या फिर कोई इम्पॉर्टेंट फंक्शन से रिगार्डिंग कोई नोटिस वहाँ पुट अप कर दिए जाते हैं। सिमिलरली बुलेटिन बोर्ड टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के पास कोई इम्पॉर्टेंट नेशनल या जो भी न्यूज रहता होगा उसको लिखा जाता होगा परहैप्स। तो राइटर बताते हैं कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी और फिर वो बताते हैं कि फॉर द लास्ट टू ईयर्स, पिछले दो सालों में ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, हमारे देश के लिए जितनी बुरी समाचार थे, बैड न्यूज जितने भी थे, वो सभी इसी बुलेटिन बोर्ड पर लिखे गए थे। ठीक है, और वो समाचार क्या थे, जैसे द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध की समाचार, लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ये सारी चीजें। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और राइटर कहते हैं कि मैंने कुछ देर के लिए अपने आप से सोचा, इस बात को सोचा, थॉट टू माई सेल्फ, क्या सोचा, विदाउट अ स्टॉपिंग, बिना रुके, मतलब मैं चलते चलते, राइटर बता रहे हैं कि मैं चलते चलते या सोचा, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब कौन सी बात हो गई, आज भीड़ लगी हुई, आज कौन सा समाचार आया होगा। ऐसा होता नहीं, जब आप सड़क से गुजरते रहते हैं, कहीं आते जाते रहते हैं, और सड़क के किनारे अगर भीड़ लगी हुई है तो भीड़ देख करके आपका मन में, जरूर आपके मन में यह बात उठती होगी कि किस चीज़ के लिए भीड़ है, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गया, फिर आपको लगता होगा कि शायद किसी के बीच में लड़ाई होगी इसलिए लोग इतने जमा हैं, है ना। और हमारे देश में लड़ाई देखना तो एकदम पॉपुलर इंटरटेनमेंट है, लड़ाई हो गई तो देखिए देखने वाले लोग तुरंत जुट जाते हैं, मजा आता है लोगों को लड़ते हुए देखना, क्या नहीं पूरा नहीं, आदमी अपना काम कितना भी व्यस्तता हो, अगर पास वाले दो लोग चार लोग लड़ रहे हैं या गांव में भी लड़ाई हो रही तो लोग वहां जरूर पहुंच जाते हैं। यस सर, बिना टिकट का इंटरटेनमेंट है। ठीक है, तो खैर राइटर यहां बताते हैं कि उनके मन में भी दिस क्वेश्चन अराइजेस, या प्रश्न उठा वहां, अरोज अ क्वेश्चन। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर राइटर कहते हैं कि मैं रुका नहीं और मैं जितनी तीव्र गति से हो सकता था, जितना तेजी से मैं चल सकता था, उतना तेजी से मैं अपनी स्कूल की ओर जाने लगा। और रास्ते में उनको एक ब्लैक स्मिथ यानी गांव का जो लोहार था जिसका नाम था वैचर, टीवी पढ़ेंगे तो वैचर पढ़ेंगे, पता नहीं अब नाम का प्रोनंसिएशन क्या होगा, हु वॉज देयर, जो बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ा था विथ हिज एप्रेंटाइस, विथ हिज एप्रेंटाइस, एप्रेंटाइस बोलते हैं, इसको जरूर समझिएगा कि जैसे आप ड्राइवर हैं तो आपके साथ अगर कोई व्यक्ति है जो ड्राइविंग सीखने के लिए आपके साथ है तो वो आपका एप्रेंटाइस हो गया, एप्रेंटिस बोलेंगे इसको, एप्रेंटिस। ठीक है, यानी जो नव सीखवा है, जो सीखना चाह रहा है आपके साथ, है ना। बहुत सारे कोर्सेज जो होते हैं उसमें अप्रेंटिसशिप होता है ना, अप्रेंटिसशिप होता है, अप्रेंटिसशिप, रीडिंग द बुलेटिन। तो ब्लैक स्मिथ यानी लोहार वहाँ था बुलेटिन बोर्ड के पास, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे क्या किया, बुलाया, डोंट गो सो फास्ट बॉब, और उसने कहा कि ए लड़के इतने तेजी से मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन क्या, प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे तुम अभी स्कूल इतनी तेजी से क्यों जा रहे हो, अभी तुम्हारे पास तो बहुत समय है। मानो जो ब्लैक स्मिथ था वैचर, वो एक तरह से रिडिकूल कर रहा था, उसका मजाक कर रहा था, मेक फन कर रहा था, क्यों, क्योंकि वो देर में था और बहुत तेजी से जा रहा था, इसलिए उसको बोला ए जैसे क्या, आज बहुत जल्दी स्कूल जा रहे हैं जी, आप देर हो रहे हो और कोई आदमी आपको मजाक कर रहा हो कि आज बड़ी जल्दी स्कूल जा रहे हैं जी, इतना जल्दी क्या है अभी जाने, अभी आराम से जाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से उसका यहाँ बताया गया कि राइटर बताते हैं कि ब्लैक स्मिथ ने उनके साथ एक मजाक किया। इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।